चलिए पहले हाथ से बताऊंगा ताकि प्रॉपर आपको स्टेप समझ आ जाए। बिंदु पॉइंट, बिंदु पॉइंट हमारा, देखिए हमारे हमारे पास अपर बैक के लिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं। जैसे अगर अपर बैक में पेन है तो इसके लिए हम अपर शोल्डर भी दे सकते हैं, लोअर शोल्डर भी दे सकते हैं, ठीक है। नीचे के लिए तो बहुत सारे पॉइंट है, L5 एस बिंग है, L3-4-5 है, L5 फ्रैक्चर है, L3 फ्रैक्चर है, L4 फ्रैक्चर है। हमारे पास बहुत कम पॉइंट है मिडल बैक के लिए, और क्योंकि मिडल बैक में बहुत कम दर्द आता है, मिडल बैक में आता भी नहीं है दर्द, या तो अपर में आएगा या लोअर में आएगा। तो ये जो पॉइंट है हमारा बिंदु पॉइंट, ये हमारा मिडल बैक के लिए है। जब पेन इधर की तरफ ज़्यादा परेशान कर रहा हो, मिडल बैक में परेशान कर रहा हो, तो उस कंडीशन में हम ये बिंदु पॉइंट देते हैं, और बिंदु पॉइंट से यहाँ का दर्द निकाला जाता है। ठीक है, कैसे देंगे? इसके लिए एक और पॉइंट है जो हमारा फोल्डेड लेग है। मैंने बताया था कि अगर आपको यहाँ का दर्द आ रहा है तो उसके लिए हम फोल्डेड लेग भी दे सकते हैं। और दूसरा हमारा क्या है? बिंदु पॉइंट। बिंदु पॉइंट में क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ से हाथ को यहाँ रखेंगे एक तरफ एक जॉइंट पर, ठीक है, और यहाँ से इस हाथ को इस तरीके से रखेंगे और दूसरी तरफ खींच के लेके जाएंगे, ये क्रॉस बनाते हुए। हाँ, यहाँ जब शोल्डर ब्लेड पर पहुँच जाएगा तो यहाँ से ये हाथ नीचे की तरफ जाएगा, ये हाथ ऊपर की तरफ जाएगा, ये ठीक है। इसी क्रिया को हम लोग जब यहाँ से दोहराते हैं इस तरीके से, ये हाथ मैंने यहाँ रखा और यहाँ से ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। जब यहाँ पहुंच जाएगा जॉइंट पर तो यहाँ से ये हाथ नीचे जाएगा और ऊपर वाला हाथ ऊपर जाएगा, ये। तो यानी कि यहाँ से ये क्रॉसिंग और यहाँ से ये क्रॉसिंग कहाँ हुई हमारी क्रॉसिंग? यहाँ पर। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? बिंदु। यानी कि ये हमारा क्या बन गया? बिंदु पॉइंट। यानी कि यहाँ से ऐसे क्रॉसिंग और यहाँ से ये क्रॉसिंग, जब दोनों का प्रेशर यहाँ पड़ेगा तो यानी कि यहाँ का मिडल बैक का पेन निकल जाएगा। अब इसको पैर से कैसे देंगे? ये एक पैर यहाँ रखेंगे सपोर्ट के लिए और यहाँ से पैर से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, खिंचाव करेंगे। अब जब यहाँ पहुँचेगा तो ये पैर नीचे जाएगा, ये पैर ऊपर चला जाएगा, ऐसे आराम से उतर जाना, ठीक है, झटके से नहीं उतरना। ये यहाँ रखेंगे, यहाँ से इस तरीके से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे मसल्स को। अब जब ये यहाँ पहुँच गया तो यहाँ से ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा, इस तरीके से उतर जाना, झटका नहीं लगना चाहिए ना पेशेंट को, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा झटका दे दिया तो कंधा उतर जाएगा उसका, कंधा नहीं उतरना चाहिए, बैक उसमें पेन नहीं आना चाहिए। आपके पैर की हाथ की सेटिंग, पैर की सेटिंग ऐसी होनी चाहिए, यहाँ से ये गया, यहाँ से हल्का सा प्रेशर देते हुए ये वापस, यहाँ से ये गया, यहाँ गए और यहाँ से ये पैर नीचे गया और ये वापस, तीन बार दोहराना, तीन बार ऐसे और तीन बार ऐसे, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ खींचा पड़ेगा यहाँ का पर दर्द निकल जाएगा, ठीक है। बहुत सावधानी से किया जाता है क्योंकि इसमें कंधे में खिंचाव आ सकता है, तो आपका प्रेशर बिल्कुल लाइटली जाना चाहिए। नहीं, खिंचाव हमारा मेन मकसद है यहाँ खिंचाव आना, यहाँ खिंचाव आना मेन मकसद नहीं है, यहाँ खिंचाव पूरा प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। लाइट